अस्सलाम वालेकुम आवेश भाई। वालेकुम सलाम समन। अब तो सुना है इलेक्शन की बिल्कुल सर पे है, 50 दिन से कम रह गए हैं। नॉमिनेशन के पेपर्स वगैरह भी सुना है दायर होने शुरू। मजा नहीं आ रहा, लेकिन यार वो याद है कैसे पहले मजा आता था। हम लोग घरों पे झंडे लगाते थे, मोहल्ले में गलियों में झंडे, लोगों के बाकायदा ना वो बने होते थे यार, शामियाने होते थे, उसमें पोस्टर और ये बैज लगा रहे हैं और टोपियां पहन रहे हैं हम लोग, तराने बज रहे हैं। कोई समय नहीं, कोई माहौल ही नहीं रह गया अब तो इलेक्शंस का। समन, हमें एक ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि इस वक्त मुल्क पर डाकुओं का राज है और इस बार का इलेक्शन अपनी नोयत का एक मुनफरिद इलेक्शन होगा, जैसे कि हमारा वर्चुअल जलसा। अब जो जो ये चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से हम भी अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करते जा रहे हैं। तो इसी तरह इस बार के इलेक्शन में बजाय इसके कि हम लीडरशिप का इंतजार करें और वो आके पार्टी का मंशूर बताएं, पार्टी का मंशूर तो पहले ही घर घर फैलावा है। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमें एज एन इंडिविजुअल खुद लीडर बनना है और अपने इलाके की जिम्मेदारी लेनी है। और वो जिम्मेदारी किस तरह से लेनी है कि हमने अपने इलाके से कम 50 वोटों को कंफर्म करना है, आपने लोगों को घर घर जाना है, और साथ साथ आपने एक और चीज ये भी करनी है कि जिन लोगों को पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेस है, जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये तमाम चैनल जिसपे वक्तन फवक्तन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, आपने वो इन्फॉर्मेशन वहां से लेनी है और इलेक्शन के बारे में अपडेट्स जो है वो घर घर पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है। बिल्कुल, अब देखो ना व्हाट्सएप पे बिल्कुल अभी नया उन्होंने चैनल भी शुरू कर दिया पीटीआई ने, सारे दिन की जो खबरें और जरूरी चीजें होती है वो उस पे आ जाती हैं। बिल्कुल, और आपने सिर्फ अपनी कम्युनिटीज बना के उन कम्युनिटीज में जो व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर हो वो आपने आगे पास ऑन कर देना है। ये तरीके भी जो है वो हम वक्तन फवक्तन आपको इसी तरह के छोटे छोटे क्लिप्स में समझाते रहेंगे कि व्हाट्सएप कम्युनिटी बनानी किस तरह से है, आपने चैनल से इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, कैसे आप यूट्यूब का लिंक कॉपी करके लोगों तक पैगाम को पहुंचा सकते हैं, ताकि आपको इलेक्शन से मुतालिक ना सिर्फ अपडेट्स बल्कि रिगिंग क्या होती है, धांधली के क्या क्या पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, क्योंकि धांधली तो ये लोग करेंगे, तो हम उससे इस तरह से बच सकते हैं। ये वाले भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये इस तरह से हम आपको मालूमात हर तरह के चैनल से प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये जानना मेरे ख्याल में अब तो सब लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि हमने वोट डालना है और अपने वोट की हिफाजत भी करनी है, और ये कि हम लोग जो है ना बिल्कुल इस तरह पावरलेस नहीं है, क्योंकि अवाम का वोट अवाम की ताकत है। और हमारी मंजिल हकीकी आजादी है। हमारे मुल्क पर जो डाकुओं का कब्जा है वो हमें कब्जा वापस लेना है। खौफ के बुत टूट चुके। बिल्कुल, और अब निजाम बदलो, पाकिस्तान बदलो। वोट ही बदला लेगा अब जुल्म का बदला, वोट से सितम का बदला।